बताना चाहूँगा, सिंगल यूज प्लास्टिक साथ ही साथ जो कैरी बैग है, प्लास्टिक कैरी बैग किसी माप मोटाई का, हैंडल वाला है या बिना हैंडल वाला है, ये दोनों चीज़ें जो है प्रतिबंधित कर दी गई हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित हुआ भारत सरकार की अधिसूचना, वन और पर्यावरण मंत्रालय की, हमारे उत्तराखंड सरकार की अधिसूचना से जो आपके बैग हैं, कैरी बैग, चाहे वो किसी भी माप मोटाई के हैं, हैंडल वाले हैं या बिना हैंडल वाले हैं, सारे प्रतिबंधित हैं आज की डेट में प्लास्टिक के कैरी बैग। तो इन चीज़ों को बाजार से हटाने के लिए निरंतर हमारे स्तर से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, साथ ही साथ जो है चालान की भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें व्यवस्था यह है कि जो उत्पादन करेगा उसके ऊपर 5 लाख, जो परिवहन करके लाएगा उसके ऊपर जो है 2 लाख, जो छोट फुटकर लोगों को जो है बांटेगा, जो स्टॉक करेगा उसके ऊपर 1 लाख, और जो यूज करेगा उसके ऊपर 100 रुपया। तो इसी के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई उत्पादक नहीं है, हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर जो थे वो 3 मिले हमको, तीनों के खिलाफ 1-1 लाख का जुर्माना हम कर चुके हैं। हम जो है जो लोग जो है अपनी दुकानों पे रखे हैं उस पर रोज कार्रवाई कर रहे हैं, उससे जुलाई से लेके अब तक हम लगभग 6 लाख रुपए का जुर्माना कर चुके हैं, 1000 से अधिक आदमी का हम चालान कर चुके हैं। अब वर्तमान में हम संकेन्द्रित हुए हैं कि जो सिंगल रूप से यूज कर रहा है, जो हमारा उपभोक्ता है जिसके हाथ में अगर सिंगल यूज प्लास्टिक है या कैरी बैग है जो कि प्लास्टिक का है, उसका हम चालान कर रहे हैं। इस चीज़ को और हम बढ़ाएंगे आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ तक ये हमारी जो आवाज़ जनता को पहुँच रही है उससे मेरा आग्रह है कि कपड़े के बैग लेकर के चलें, सिंगल यूज प्लास्टिक या कैरी बैग प्लास्टिक का, चाहे वो किसी माप मोटाई का हो, चाहे वो हैंडल वाला हो बिना हैंडल वाला का, उसका न तो प्रयोग करें न प्रयोग करने दें, दुकानदार देता है तो उसको भी मना करें, और अपने साथ जो है सामग्री जब आप लेके आएंगे, कपड़े का थैला लेके आएंगे, दूध लेने के लिए डिब्बा लेके आएंगे, तो दुकानदार आपको नहीं दे पाएगा।